जिस व्यवहार से दूसरे आहत हो वैसे व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। याद रखे, सदव्यवहार ही सफलता की पूंजी है। नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को काफी खास माना जाता है। माघ मास में किए गए दान और स्नान का काफी ज्यादा महत्व होता है। माघ पूर्णिमा को माघ मास के अंतिम दिन मनाया जाता है। इसके अलावा इसे माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। साथ ही इस दिन वस्त्र दान और गौ दान का भी काफी ज्यादा महत्व है। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवतागण पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गरीब लोगों को खाना, कपड़ा, तिल, गुड़ और कंबल का दान करना चाहिए। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। माघ पूर्णिमा की शुरुआत 4 फरवरी को रात 9:29 से होगा और इसका समापन 5 फरवरी को रात 11:58 पर होगा। उदया स्थिति के अनुसार माघ पूर्णिमा 5 फरवरी को मनाई जाएगी। स्नान का समय 5 फरवरी को सुबह 5:22 से शुरू होगा, जो कि 6:14 तक रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि माघ पूर्णिमा की पूजा की विधि क्या कुछ है। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें और उन्हें जल का अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान कृष्ण की पूजा करें। इस दिन गायत्री मंत्र या ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जप करें। और चलिए अब राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। इस राशि के लोगों के लिए 5 फरवरी का दिन करियर के मामले में खास होगा और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आपके लिए दिन बहुत अच्छा है और आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वे आज आपको मिल जाएगा। बहुत से रुके हुए काम आज पूरे होंगे। मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की और जानेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। करियर के मामले में दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा और आपको सफलता मिलने में संशय है। आज बिजनेस या फिर नौकरी के मामले में कोई नया प्रयोग ना करें। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। 5 फरवरी के दिन कुछ मामलों में लाभ होंगे तो कुछ मामलों में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आपकी सभी परियोजनाओं को अंतिम सहमति मिल जाएगी। व्यावसायिक प्रस्तावों को स्वीकृति मिलेगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए 5 फरवरी का दिन कैसा रहने वाला है। 5 फरवरी का दिन आपके लिए अधिक फलदायी नहीं है। आज कोई ऐसा काम ना करें जिसको लेकर आप अश्वस्त ना हो। कार्यालय में आज का दिन काफी कठिनाई वाला हो सकता है। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की। करियर के मामले में सिंह राशि वालों के लिए दिन व्यापारिक अड़चनों को दर्शाने वाला रहेगा और पैसों के मामलों में अधिक लाभ की उम्मीद है। नकारात्मक मानसिकता के कारण लोग आपसे दूर भागेंगे। किसी पार्टी से पैसों का लेन देन ना करें। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए 5 फरवरी का दिन कैसा रहने वाला है। 5 फरवरी का दिन आपके लिए नौकरी और व्यापार दोनों मामलों में सही है। काम धंधे की स्थिति अच्छी देखी जाएगी। आज व्यापारियों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएगा। नौकरी करने वाले लोगों को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए कोई सम्मान दिया जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे तुला राशि। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई लोन या उधार ले सकते हैं। आप अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए निवेश पर अहम चर्चा करेंगे। साथ ही आज आप भूमि संपत्ति से संबंधित कोई ट्रांजैक्शन देखी जा सकती है, लेकिन सावधानी बरतें। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यापारी वर्ग के जातक अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए काफी मेहनत करेंगे। आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। 5 फरवरी का दिन धन के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। आज व्यापार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आज आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी निवेश कर सकते हैं। आज आपके खर्च भी अधिक रहने वाले हैं। और धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। व्यापार के मामले में काफी धीमी गति से चलने वाला दिन रहेगा। कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कर्मचारियों का ढीला रवैया देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारी कमजोर करते देखे जाएंगे।
और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की और जानेंगे 5 फरवरी का दिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। घर परिवार में पति पत्नी के संबंधों में मधुरता देखी जाएगी। आज विवाह योग्य व्यक्तियों के रिश्ते में संबंधित कोई बातचीत चल सकती है। प्यार के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। और चलिए अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। परिवार में पति पत्नी के रिश्तों में गंभीरता देखी जाएगी। दोनों के मध्य अच्छा आपसी तालमेल देखा जाएगा। हालांकि आज आप अपने पिता की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुल मिलाकर दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और बोलते ताड़े में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।